जैसे छोटे बच्चे को क्या खिलाएं। और दूसरी बात, कई बार ये होता है कि आप ले आते हो छोटे बच्चे को और उसको घर का फीड क्या खिलाएं। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट योगेश कुमार। आई वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज बांसुर पेट क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि आप अपने छोटे बेबी पैरट को घर का फीड क्या क्या खिला सकते हो, क्योंकि जैसे सब लोग जो हैंड फीडिंग या बर्ड्स का सेरेल अफोर्ड नहीं कर सकते या करते हैं तो उसमें आने में कम से मिनिमम 2 से या 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। तो उस दौरान आप अपने पेरेंट्स को क्या क्या खिलाएं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। एक तो आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा फैटी चीज या हैवी चीज ना खिलाएं। अब हम बात करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को या छोटे पेरेंट्स को घर का बना हुआ या घर का खाना होममेड क्या क्या दे कि सकते। नॉर्मली घर में चना मिल जाता है तो उसमें हो सकता है काला चना या भुना हुआ चना। तो अब उसमें भुना हुआ चने या काले चने की दाल उसको अच्छी तरीके से पीस करके, या सत्तू, उसी को बोलते हैं सत्तू, तो उसमें आप दाल 2 चम्मच और पानी 4 से 5 चम्मच उसमें पानी डाल करके एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ना तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज्यादा पतला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप अपने सिरिंज की सहायता से या ड्रोपर की सहायता से आप अपने पैरेट्स को या बेबी पैरेट्स को दे सकें। और आप जैसे छोटा बेबी पैरेट्स होता है तो वो ज्यादा नहीं खा पाता, तो आप अपने पैरेट्स को 2 से 3 ml या लास्ट वो 4 से 5 ml तक ही खा पाता है। धीरे 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 उसकी कैपेसिटी जो वो बड़ा होता जाएगा तो वो 20 ml या 20 से 25 ml तक नॉर्मली धीरे धीरे खाने जब लग तक जाएगा। क्रोप या पेट बच्चे का खाली ना हो, जब तक आप उसको नेक्स्ट फीड ना कराएं, जब तक वो उसको डाइजेस्ट या पच ना जाए, उसके बाद में आप अपने पैरेट्स को फीड कराएं। या फिर जब आपका बेबी पैरेट खुद से मांगने लगे, जब उसको पहले फीड की कराएं। दाल या मूंग की दाल, मूंग की दाल जो खिचड़ी बनाते हैं वो दाल, तो उसमें आपको मूंग की दाल एक प्रोटीन का और मिलियंस का अच्छा स्रोत होती है। और आपको पता है कि आपके बेबी को जब छोटा बच्चा होता है तो प्रोटीन जरूरी होता है, तो आप उसको दाल को अच्छी तरीके से उबाल करके आप अपने पैरेट्स को उसका पानी भी पिला सकते हो, या उसको पेस्ट, क्योंकि आप उबालोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप उसको पानी मिला करके सिरिंज की सहायता से आप अपने पैरेट्स को दे सकते हैं। और मूंग की दाल से एक आपके आपके बच्चे की अच्छी से ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे नंबर 3 पे है गेहूं। आप अपने पैरेट्स को छोटे छोटे दाने करके या दलिया दलिये को उबाल करके आप वो भी खिला सकते हो, उसको अच्छी तरीके से मैश करके, और वो भी आप ड्रॉपर से या सिरिंज से आप अपने पैरेट्स को खिला सकते हो। दूसरी बात, कई बार मतलब ये खिलाने से थोड़ा पचने में प्रॉब्लम हो या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप अपने जो नियोपेप्टिन, ये सिरप आती है जहां पर आपको ये नॉर्मली जो बच्चे की दुकान या सॉरी बच्चे की जो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी है वहां पर आपको नॉर्मली ये नियोपेप्टाइन ये सिरप मिल जाए। आप अपने बेबी पैरेट्स को उसके फीड में दो दो ड्रॉप डाल के खिलाएंगे तो एक तो वो फीड जल्दी डाइजेस्ट होगा और अच्छी तरीके से, जहां वो 3 घंटे से 4 घंटे में डाइजेस्ट होने में लगा रहा था टाइम, वहां 2 से 3 घंटे में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि फ्रूट्स में आप अपने पेरेट्स को क्या क्या दे सकते हो। आप अपने पेरेट्स को बनाना भी दे सकते हो, बनाना ज्यादा ना दे, थोड़ा छोटा छोटा करके अपने हाथ से खिलाएं। और दूसरी बात, आप अपने पैरेट्स को वाटरमेलन या तरबूज उसका पानी या जो भी उसको छोटा छोटा पीस करके वो आप अपने पैरेट्स को बेबी पैरेट्स को खिला सकते हैं।
आप अपने पैरेट्स को आम या मैंगो भी खिला सकते हो। मैंगो आप खिलाने से आपके बेबी पैरेट्स का ये देखोगे कि उसके जो पोटी है वो पीली पीली या येल्लो येल्लो आएगी और उसमें थोड़ा पानी पानी आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो इसकी वजह से ही जो आम की या मैंगो की वजह से होता है। जैसा आप खिलाओगे वो वैसा ही बेबी ड्रॉपिंग करेगा या पोटी करेगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम डॉग रिलेटेड और बर्ड्स रिलेटेड वीडियो आपसे शेयर करते हैं। आपको हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम डॉग रिलेटेड और बर्ड्स रिलेटेड वीडियो डालते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएंगी। और अब हम ये भी देखते हैं कि आप एकदम से अपने पैरेट्स का फीड चेंज ना करें। फीड चेंज का मतलब कि आप अपने पैरेट्स का धीरे धीरे फीड चेंज का अल्टरनेट डे यानी धीरे धीरे जाकर चेंज करें। जब आपका हैंड फीडिंग फॉर्मूला आ जाएगा तो आप जैसे जो होममेड और ये धीरे धीरे अपने पैरेट्स को इस पर हैंड फीडिंग फॉर्मूला पर ले आए, क्योंकि इसमें जो पैरेट्स को मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें हर चीज जो कि छोटे बच्चे को ग्रोथ के लिए या जो उसको सर्वाइकल करने के लिए जो हैंड फीडिंग की आवश्यकता होती है वो जरूरी होती है बच्चे को हैंड फीडिंग। Thank you.